हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट फोर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स लर्निंग द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सो ऑन द स्क्रीन इज रूल नंबर 12 रूल नंबर 11 तक आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो गया है अब हम शुरू करते हैं रूल नंबर 12 रूल नंबर 12 में है अ लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज नंबर्स ऑफ अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा लेकिन द नंबर ऑफ टेक्स प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब लेकिन अगर द नंबर ऑफ है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वह प्लूरल तो होगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा इसको हिंदी में मैं समझाने की कोशिश करता हूं अ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ या फिर लार्ज नंबर्स ऑफ इसका मतलब होता है बहुत सारे या बहुत बड़ी संख्या में तो जब कोई भी काउंटेबल नाउन बहुत बड़ी संख्या में है तो वह नाउन भी प्लूरल होगा और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा लेकिन द नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या जैसे लड़कों की संख्या द नंबर ऑफ बॉयज लड़कियों की संख्या द नंबर ऑफ गर्ल्स केसेस की संख्या द नंबर ऑफ केसेस सो उस केस में द नंबर ऑफ बिकम्स सिंगुलर But it takes plural noun and singular verb. So, हम कुछ examples का सहारा लेते हैं Examples में है A number of girls have passed. A number of का मतलब होता है कई सारे बहुत सारे So, a number of girls का मतलब होता है बहुत सारे लड़कियां तो सब्जेक्ट इज प्लूरल और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा और माई डियर एस्पेरेंट्स यहां पर हैव जो यूज किया गया है दिस इज प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द प्लूरल सब्जेक्ट नेक्स्ट आते हैं द नंबर ऑफ हाउसेस इज इंक्रीजिंग यहां पर इस सेंटेंस का मतलब होता है द नंबर ऑफ हाउसेस यानी घरों की संख्या तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वह है द नंबर का मतलब होता है संख्या तो उसके बाद जो आने वाला नाउन है वह प्लूरल तो हुआ है लेकिन जो वर्ब आया है वह सिंगुलर ही होगा क्योंकि द सब्जेक्ट इज सिंगुलर अ लार्ज नंबर ऑफ यानी बहुत बड़ी संख्या में कौन बच्चे सो अ लार्ज नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन एंड प्लस प्लूरल वर्ब व्हाई अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज द प्लूरल सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड नॉट सिंगुलर द नंबर ऑफ COVID-19 केसेस इज इंक्रीजिंग रैपिडली COVID-19 केसेस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है यहां पर जो सब्जेक्ट है वह क्या है COVID-19 केसेस की संख्या यानी संख्या सब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन से पहले आने वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वह है द नंबर और द नंबर का मतलब होता है संख्या विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और उस केस में द नंबर of becomes singular subject hence it will take singular verb अब आते हैं रूल नंबर 13 रूल नंबर 12 is quite easy you must have understood the concept of rule number 12 now let's come to rule number 13 अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सम है या सम ऑफ है या फिर ऑल है या ऑल ऑफ है या फिर इनफ है या फिर मोस्ट है
मोस्ट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, अ लॉट ऑफ है और प्लेंटी ऑफ है। माई डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे जो वर्ड्स है जो रेड में लिखे गए हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हो, वे सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका ड्यूअल यूजेस है। ड्यूअल मतलब यह काउंटेबल के लिए भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होते हैं। सो अगर इन सारे वर्ड्स के बाद अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, लेकिन इनके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसे नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब सिंगुलर होगा। यानी इन वर्ड्स का यूज हम काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले भी करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स। ऑल द मैंगोस आर फ्रेश, यहां पर ऑल यूज हुआ है लेकिन उसके बाद जो नाउन आया है वह है द मैंगोस। यहां पर जो नाउन आया है मैंगोस है, जो काउंटेबल नाउन के साथ साथ वह प्लूरल नंबर में भी है, यानी बहुवचन में है, इसलिए उसके बाद जो आने वाला वर्ब है वह प्लूरल यूज हुआ है। नेक्स्ट है सम मनी इज नीडेड, कुछ पैसों की जरूरत है। सम, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सम का भी ड्यूअल यूज है। सम के बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। सो यहां सम के बाद जो आया है वह मनी है और मनी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन ही होता है, यह काउंटेबल नाउन नहीं होता है। सो मनी इज अनकाउंटेबल नाउन, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वे सारे सिंगुलर होते हैं, इसलिए सम मनी बिकम्स सिंगुलर, तो उसके बाद जो आने वाला वर्ब है वह भी सिंगुलर होगा। लॉट्स ऑफ मिल्क इज अवेलेबल, यहां लॉट्स ऑफ मिल्क है, यानी लॉट्स ऑफ के बाद हमने जो यूज किया है वह है मिल्क है, विच इज अनकाउंटेबल नाउन, और जो वर्ब आएगा वह भी सिंगुलर होगा बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज सिंगुलर। There are plenty of coins in my pocket. यहां जो plenty है उसके बाद जो noun आया है वह plural आया है, तो उसके बाद जो verb आएगा वह भी plural होगा। अब यहां एक बात मैं clear करना चाहता हूं कि इससे पहले सारे sentences में subject के बाद verb आया है, लेकिन यहां पर हमने verb को पहले कर दिया है, यानी प्लेंटी से पहले कर दिया। सो माई डियर स्पेरेंट्स, जब किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पर हम एक सब्जेक्ट डालते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। जैसे देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और इट भी एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। जब हम बोलना चाहते हैं लाइट नहीं है, तो अगर हम बोलते हैं लाइट इज नॉट देयर, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट लाइट नहीं है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है इनफैक्ट। तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो हम एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करते हैं देयर के रूप में, और हम यह बोल सकते हैं देयर इज नो लाइट, यानी लाइट नहीं है। क्या नहीं है, क्या नहीं है, लाइट नहीं है। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ कॉइंस, सो इन द केस ऑफ देयर बीइंग यूज्ड एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यानी देयर जब भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो उसके बाद जो नाउन आएगा वह अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, और
उस वर्ब को हम उस नाउन जो सिंगुलर है या प्लुरल है के पहले यूज करेंगे. Plenty of water is needed to water the plants. यहां पर है plenty of water. इससे पहले वाले सेंटेंस में हमने यूज किया है plenty of coins. यहां पर plenty of के बाद नाउन प्लुरल हुआ है, इसलिए जो वर्ब है वह भी प्लुरल हुआ है. लेकिन यहां plenty of के बाद जो नाउन आया है वह वाटर आया है, और वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन विच इज ऑलवेज सिंगुलर. तो उसके बाद जो आएगा वर्ब वह भी सिंगुलर होगा. लॉट्स ऑफ प्लेयर्स, यहां लॉट्स ऑफ के बाद जो नाउन आया है वह प्लुरल आया है, तो वर्ब भी प्लुरल होगा. नेक्स्ट है रूल नंबर 14. सो रूल नंबर 12 और रूल नंबर 13 मैंने आज के सेशन में आपको समझा दिया है. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव टू रूल नंबर 14. रूल नंबर 14 में है, अगर हाफ ऑफ है या वन थर्ड ऑफ है या टू थर्ड्स ऑफ है या थ्री फोर्थ्स ऑफ है, इनमें से कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो उसके बाद countable plural noun भी आ सकता है, countable singular noun भी आ सकता है, और uncountable noun भी आ सकता है. तो अगर countable singular noun है तो verb भी singular होगा. अगर इनके बाद countable plural noun है तो verb भी plural होगा. अगर इनके बाद कोई uncountable noun है या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, तो वर्ब माय डियर स्टूडेंट्स हमेशा सिंगुलर होगा, प्लुरल नहीं होगा. अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ जो पिक्चर के फॉर्म में है. यहां पर एक होटल है जो बंद है, यहां पर एक होटल है ये भी बंद है, यहां पर यह होटल खुला हुआ है और यह भी होटल खुला हुआ है, यानी दोनों होटल बंद रही है. सो यहां पर कितने होटल्स हैं? यहां पर चार होटल्स हैं, 1, 2, 3, 4. और चार होटल्स में से कितने होटल्स बंद है? दो होटल बंद है. सो हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ द होटल्स, यानी आधे होटल खुले हुए हैं, आधे होटल बंद है. तो हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ द. उसके बाद जो नाउन आएगा वह क्या आएगा, काउंटेबल सिंगुलर आएगा या काउंटेबल प्लुरल आएगा? बेशक प्लुरल आएगा, क्योंकि वहां होटल्स तो चार है. सो 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह जितनी भी संख्या है वे सारे प्लुरल होते हैं. तो हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ द होटल्स, और फिर आर हम यूज करेंगे, क्योंकि हाफ ऑफ द के बाद, वन थर्ड के बाद, टू थर्ड्स के बाद, थ्री फोर्थ्स के बाद अगर प्लुरल नाउन है काउंटेबल, तो वर्ब भी प्लुरल होगा. सो इस सेंटेंस का मतलब है होटल्स में से आधी बंद पड़ी है. नेक्स्ट आते हैं, यहां पर पिक्चर में आप देख पा रहे हैं देयर इज ओनली वन होटल, एक ही होटल है, और शायद उसके आधे भाग में कोई रिपेयरिंग का काम चल रहा है और आधा भाग बिल्कुल खुला हुआ है, यानी रिपेयरिंग के काम के वजह से आधा होटल, एक ही होटल है, उसका आधा पार्ट बंद है और उसका आधा पार्ट खुला हुआ है. तो होटल कितने हैं? होटल एक ही है. तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं. हाफ ऑफ द होटल, यानी एक ही होटल है. सो हाफ ऑफ द होटल्स नहीं करेंगे, होटल करेंगे, क्योंकि होटल तो एक ही है. तो ये जो होटल है वह सिंगुलर है, और एक सिंगुलर को अगर आप हाफ करते हैं या वन थर्ड करते हैं या वन फोर्थ करते हैं, फिर भी वह सिंगुलर ही होगा. तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा. सो कुछ और एग्जांपल्स, टू थर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स प्लुरल नाउन, सो प्लुरल वर्ब.
2/3 ऑफ द शर्ट इज वेट, शर्ट का 2/3 भाग भीगा हुआ है, यानी 2/3 तो बिल्कुल सही है, 2/3 ऑफ, लेकिन किसका 2/3? शर्ट का, कितना शर्ट है? एक ही शर्ट है, सो द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर हुआ है यूज। 1/3 ऑफ द मैंगोस आर रोटेन, यानी मैंगोस कितने हैं? बहुत सारे हैं, और उनका 1/3 भाग, तो उनका बहुत सारे मैंगोस है तो उनका 1/3 भाग भी प्लुरल ही होगा, इसलिए वर्ब इज प्लुरल। 1/3 ऑफ द मैंगो इज रोटेन, अब यहां पर मैंगो है यानी कितना आम है? एक ही आम है, और उसका 1/3 भाग सड़ा हुआ है, तो एक ही मैंगो है, उसी के हम 1/3 भाग की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, सो वर्ब इज सिंगुलर। तो नाउ हम यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हमने दिया है आप सभी के लिए, इसको वीडियो के लास्ट में हमने इसलिए डाला है ताकि वीडियो को आप अच्छी तरह से अगर समझ पाए हैं या फिर नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार देख लीजिए, और जो आज जो कुछ भी पढ़ाई हुआ है उस पर आधारित कुछ कॉमन एरर्स आपके स्क्रीन पे है, उसको सॉल्व करना है, एरर को स्पॉट करना है और कमेंट बॉक्स में डालना है अपना आंसर। So, thank you very much, my dear students, and thank you for watching. And should you have any doubt, please don't forget to write in the comments box. I promise I will definitely clear all your doubts. Thank you very much.